मसालों का सही अनुपात और सही समय पर यदि सब्जी में इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी सब्जी को बहुत ही बेहतर और टेस्टी बनाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम जरूसिया और आप देख रहे हैं जिया किचन रेसिपी यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको कटहल की सब्जी बहुत ही अच्छी और नॉनवेज को भी टक्कर देने वाली बनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ये 250 ग्राम हमने कटहल ली है और एकदम कच्ची कटहल ली है हमने। और साथ में आप जैसा कि देख रहे हैं, दो टमाटर, दो हरी मिर्च, एक प्याज काट लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुछ खड़े गरम मसाले हैं। तो अब हम एक कढ़ाई ले लिए, इसमें हम लगभग 2 से 2.5 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। जैसे कुकिंग ऑयल गरम होता है उसमें हम 1 चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे। जैसे जीरा चटकने लग जाए इसके पश्चात कुछ हम जो हमने गरम मसाले लिए हैं इसमें काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची है और एक तेज पत्ता हमने डाला है। तो अब जैसे ही ये चिटकने लग जाए इसके पश्चात हम इसमें डालेंगे प्याज। ये हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन आप प्याज ऐसे छोटे टुकड़ों में काट कर ही डालें। और ये हमने अदरक और लहसुन को पीस लिया था, उसको भी हमने इसमें डाल दिया है। तो चलिए इसे हम अच्छे से भून लेते हैं, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए तब तक भूनते हैं। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो हमने 2 चम्मच धनिया, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हमने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। और हमने फ्लेम को कर दी है लो ताकि मसाले जले नहीं। और ये देखिए हमने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया था। और अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर का पेस्ट, जो हमने 2 टमाटर लिए थे उनका हमने पेस्ट बना लिया है और इसको हम सब्जी में डालेंगे। तो आप चाहें तो टमाटर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम टमाटर को भी इन मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। जब तक इसके ऊपर तेल नहीं आ जाता तब तक इसे भूनना है। और लीजिए अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। सब मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तेल ऊपर आ चुका है, मतलब हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे कटहल। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि अगर सही टाइमिंग और सही अनुपात में अगर मसाले डाले जाए तो किसी भी सब्ज़ी को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये सब्ज़ी में कोई सी भी सब्ज़ी हो या कटहल की सब्ज़ी हो, यदि हम सही अनुपात में मसाले का डालेंगे तो उसे हम बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे थोड़ी देर और भून लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। ये थोड़ा सा स्वाद और खुशबू बढ़ा देता है। तो चलिए मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी 1 चम्मच करीब हमने डाल दी है और इसे हम 2 मिनट इस तरह से भूनेंगे। इसके पश्चात इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च। तो आप चाहें तो इसकी स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो लगभग हर सब्ज़ी में डालता हूँ। तो अब इसे थोड़ी देर और भूनने के पश्चात इसमें हम डालेंगे पानी, क्योंकि ये थोड़ा कटहल को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी तो थोड़ी देर ऐसे में भून लेता हूँ इसे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर हम इसी तरह से कंटिन्यू से भूनते रहेंगे। मसाले में अच्छे से हमें पका लेना है। और ये देखिए इस तरीके से आप इसे भूनते रहें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसके बाद थोड़ी देर ढक करके इसे पकाएंगे, जब तक अच्छे से गल नहीं जाता तब तक। तो लीजिए दोस्तों, ये 10 मिनट हो चुका है और ये बहुत अच्छे से कटहल की सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है, जैसा कि आपको ये नज़र आ ही रही होगी। और आप इस विधि से बनाएंगे तो आपके किचन में भी ऐसे ही बहुत ही टेस्टी और शानदार कटहल की सब्जी बन करके तैयार होगी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं हरी धनिया पत्ती। ये हरी धनिया पत्ती से खुशबू और स्वाद बढ़ जाएगा। और इसे अब हम मिला देते हैं हरी धनिया पत्ती को। ये लीजिए हरी धनिया पत्ती को हम इसमें मिला देंगे और इसके पश्चात इसे हम ढक देंगे। और जैसे सब्ज़ी थोड़ी ठंडी होगी इसके पश्चात फिर इसे हम आपको सर्व करके बताएंगे। तो चलिए इसे हम ढक देते हैं
और 5 मिनट के पश्चात अब इसे हम सर्व करते हैं इस प्लेट में, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। धन्यवाद।